वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रेसिपी, जो कि होगी मेथी के परांठे। तो मेथी के परांठे के लिए हम परफेक्ट आटा कैसे गूंद सकते हैं, और मेथी के आटे से मतलब मेथी के हम कैसे परफेक्ट परांठे बना सकते हैं, आज इस वीडियो में मैं वही शेयर करने वाली हूँ आपसे। तो वीडियो को देखते रहिए लास्ट तक, पर उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस, जैसे कि हम सब जानते हैं, मेथी जो है बहुत ही फायदेमंद है, और ठंड में तो मेथी बहुत आती है, और मेरे घर में मेथी बहुत आती है ठंड में, तो मतलब हर 2-4 दिन बाद मेथी जरूर आती आती है। तो मेथी के परांठे तो बहुत ही अमेजिंग बनते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी, देखते रहिए। कोशिश करेंगे पहले इसे ऐसे ही मिक्स करें, पानी की जरूरत ना पड़े, क्योंकि मेथी और प्याज ये तीनों चीजें होनी चाहिए। आटे को ऐसे ही मिक्स करेंगे, कोशिश करेंगे इसमें पानी ना डालें, क्योंकि प्याज, मेथी और नमक तीनों चीजें ही पानी छोड़ेंगी। अब जैसे इस तरह की सिचुएशन में आ गया, तो हमें लग रहा है कि इसमें पानी की जरूरत है, तो थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करना है। एकदम से ही सारा पानी डालेंगे तो आटा पतला हो सकता है। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करिए, कोशिश करिए पहले कम ही डालें, जरूरत के हिसाब से थोड़ा थोड़ा डालते जाइए। इसमें थोड़ा और पानी डालना पड़ेगा हमें, तो थोड़ा थोड़ा करके डाल देती हूँ। अब इसमें और पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, अब इसको ऐसे ही मिक्स करेंगे तो आटा आसानी से गूंद जाएगा, और पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आटा अच्छे से गूंद गया है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से इसको हाथ ऐसे मुट्ठियां दे दे के और थोड़ा सा गूंथ लेंगे, ताकि आटा अच्छा गूंदे। आपका जितना अच्छा आटा गूंथेगा उतने अच्छे आपके परांठे बनेंगे। तो गाइज, ये आटा गूंथ के तैयार है, ठीक है। अब जो है इसको रेस्ट करने देंगे हम 15-20 मिनट। अगर आपने कुछ भी रोटी या परांठा बनाना है, तो आटा गूंदने के बाद उसको 15-20 मिनट रेस्ट जरूर करने दीजिएगा, तभी बहुत अच्छी रोटी और परांठे बनते हैं। तो इसको 15 मिनट के लिए मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। करने दे दिए हमने। अब एक ये पेड़ा लेंगे, इतने साइज का हमने पेड़ा लेना है, ठीक है। तो अब इसको बेलेंगे हम, इस पे सूखा आटा लगा के अब इसको बेल देंगे। आप चाहें तो इसको बीच में घी लगा के दोबारा से फोल्ड भी कर सकते हैं, पर वो मैं ऐसा नहीं करने वाली अभी, एक्चुअली ऐसा खाना नहीं है ना अभी, इसलिए। ये बिल चुका है, अब इसको रख देंगे हम तवे पे। तवे पे डाल दिया है ये। आपको उतना ही तवा जो है उतना ही गर्म होना चाहिए कि आपका परांठा एकदम से डालते ही जल ना जाए, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा होना चाहिए। अभी इसको हम एकदम लो फ्लेम पे सेकेंगे, क्योंकि तवा अभी हल्का सा गर्म है। अब इसको पलट देंगे, ठीक है। देखिए, हल्का सा ब्राउन कलर आ गया है इस पे। अब इसको नीचे से, जब तक ऐसा ब्राउन कलर नहीं आ जाता, तब तक हमने इसको लो फ्लेम पे ही रखना है। इस पे ब्राउन कलर आ गया है, तो इसको पलट दिया है। अब इस पे हम बटर डाल देंगे। आप बटर ले सकते हैं, घी, रिफाइंड कुछ भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। अब इसको पलट देंगे, फुल गैस कर देंगे, और इसको तेल लगाते हुए या घी लगाते हुए, बटर यूज करते हुए, इसको फुल फ्लेम पे ही हमने सेकना है। दोनों तरफ से इसको अच्छे से घी लगा के सेकेंगे, ठीक है। नीचे फुल फ्लेम पे है ये, और इसको नीचे बटर लगा दिया है, इसको 1 मिनट सिकने देंगे। अब इसको ऊपर भी हम जो है बटर लगाएंगे। अब इसे हम पलट देंगे बटर के साथ। देखिए कितना प्यारा कलर आया है इसके, ठीक है। अब नीचे से भी हमने इसको ऐसे ही सेकना है, इससे आपका परांठा क्रिस्पी रहेगा ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट। गैस का फ्लेम लो कर दिया है, अब इसको उतार देंगे हम। तो गाइस, ये है मेथी का टेस्टी परांठा। इसी तरह से दूसरे परांठे को गैस पे रखेंगे, तवे पे, गैस का फ्लेम लो रखेंगे, नीचे से ब्राउन हो जाएगा तो पलट देंगे, फिर उसको बटर से फुल फ्लेम पे सेकेंगे। बटर, घी कुछ भी ले सकते हैं आप, जो भी आपको पसंद हो। तो ये है परांठा मेथी का, जो कि खाने में बहुत टेस्टी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय।